Hey guys, what's up? This is Dev and you are watching School FZR videos. Hope आप सबको ये videos बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होंगी. आज हम लेकर आए हैं आपके लिए स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट साइंस सेक्शन से. तो आइए शुरू करते हैं हार्ट के बारे में. हार्ट आजकल की जनरेशन को सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आजकल जो काम हो रहा है वो हार्ट की तरफ से ही हो रहा है. दिल लगाना, दिल देना, दिल टूटना. तो आज जानते हैं कि ये एक्चुअली हार्ट होता क्या है, इसके अंदर है क्या, कैसे दिल टूटता है आपका. मजाक की बात और साइंस की तरफ दोबारा बातें हैं और देखते हैं व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ हार्ट. फर्स्ट इज राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, आयोटिक वॉल्व, आयोटा, पल्मोनरी वेन, वेना कैवा एंड इन द लास्ट दैट इज सेप्टम. दोस्तों दीज आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट. अगर आपको उसकी वर्किंग समझनी है, सबसे पहले आपको इसको पार्ट बाय पार्ट जानना ज़रूरी है. कौन सा पार्ट क्या काम करता है, कौन सी वॉल्व क्या काम करती है और किस तरह से हमारा स्ट्रक्चर जो है हार्ट का काम करता है, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं और सांस छोड़ते हैं. सो ये है डायग्राम हमारा हार्ट का. तो इसमें हम देखते हैं, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं. एक है लेफ्ट पार्ट एंड अनदर इज राइट पार्ट. इस हार्ट के अंदर चार चेंबर होते हैं. ऊपर वाले चेंबर को ओरिकल्स बोलते हैं और एट्रियम्स भी, और जो नीचे वाले चेंबर्स हैं इनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं. लेफ्ट साइड वाले चेंबर को, अपर पार्ट को हम बोलते हैं लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट एट्रियम. राइट साइड वाले जो चेंबर है उसको हम बोलेंगे राइट एट्रियम और राइट ओरिकल. नीचे आ जाते हैं, जो हार्ट का जो नीचे वाला पार्ट है लोअर पार्ट, इसके लेफ्ट पार्ट को हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट साइड में जो नीचे लोअर पार्ट है उसको हम बोलेंगे राइट वेंट्रिकल. इन दोनों को जो डिवाइड करता है, पार्टीशन करता है, वो एक ये थिन लाइन है, ये थिन वॉल्व है, जिसे हम बोलते हैं सेप्टम. सेप्टम एक ऐसी वॉल है जो लेफ्ट और राइट पार्ट के हार्ट को पार्टीशन करती है. जैसे कि मैंने बताया, सेप्टम इट्स द पार्टीशन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ हार्ट. अब देखते हैं शुरुआत कहाँ से करें. चलिए राइट ओरिकल्स में ये पल्मोनरी वेन्स होती हैं, ये हमारे लंग्स के साथ कनेक्ट होती हैं. यहाँ से जो ब्लड आता है, जो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होती है, ये पल्मोनरी वेन्स से जो हमारे लंग्स से पल्मोनरी वेन्स जो खून लेकर आती है, वो ऑक्सीजन रिच खून होता है, उसे वो यहाँ पर फेंकती है लेफ्ट ओरिकल में. लेफ्ट ओरिकल से वो जाता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में. ये हो गया लेफ्ट पार्ट का. और जो राइट साइड होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करता है. लेफ्ट पार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि रिच इन ऑक्सीजन, और जो राइट पार्ट है वो हो गया हमारा डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन, और यू कैन से रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. और जो हमारा और ये वाला जो ब्लड है जिसके अंदर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको ये एक वेना कावा, जो कि लार्जेस्ट वेन इन आवर बॉडी विच इज़ नोन एज वेना कावा, इस वेना कावा की वजह से जो हमारे लंग्स से ये डीऑक्सीजनेटेड और हमारी बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे कैरी करके वो इस हार्ट में भेजती है, यानी कि इस वेना कावा के थ्रू. अब ये आ गया हमारे राइट ओरिकल में, और ये राइट ओरिकल से चला जाएगा हमारे राइट वेंट्रिकल्स में. यहाँ तक सब क्लियर है? एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ.
जो पल्मोनरी वेंस होती हैं, यहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है लेफ़्ट ऑरिकल में, और उससे बाद वो चला जाता है नीचे लेफ़्ट वेंट्रिकल में। दूसरी तरफ जो हमारे बॉडी पार्ट्स में डी ऑक्स और जो टिश्यू से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो वेना कावा के थ्रू, ये हमारी वेना कावा है जिसे सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, इसके थ्रू आता है हमारे राइट ऑरिकल में, और राइट ऑरिकल से आता है हमारे राइट वेंट्रिकल में। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब इसके आगे देखते हैं। पल्मरी वेंस हमने देख लिया, टेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट आट्रियम। लेफ्ट आट्रियम, द लेफ्ट आट्रियम इज़ वन ऑफ द फोर हैलो चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। इट प्लेज द वाइटल रोल ऑफ रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द लंग्स वाया द पल्मोनरी वेंस एंड पंपिंग इट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट आट्रियम भी हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल भी हमने देख लिया, राइट वेंट्रिकल भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं हम एओर्टा की। एओर्टा इज द बॉडीज लार्जेस्ट आर्टरी विच टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द बॉडी। अब ये रही हमारी एओर्टा, जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हमारा प्योर ब्लड है, जो हमारे कि लंग्स से हमें भेजा है इस लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये हमारे इस एओर्टा के थ्रू, ये देखिए ये फ्लो है, ये एओर्टा के थ्रू हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। ठीक है, यानी एओर्टा कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ट्रांसफर टू ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ ये हो गया हमारा लेफ्ट पार्ट का, और ये जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हमारे की राइट वेंट्रिकल में पड़ा है, ये कैरी करता है हमारे यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरीज की तरफ। ये पल्मोनरी आर्टरीज को ये से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और कहाँ जाता है, ये वापस जाता है लंग्स में, किडनी में, और वहाँ से दोबारा लंग्स और किडनी हमारी हैं वो उसको प्योरीफाई करती हैं ब्लड को, और दोबारा उसको हमें भेजती हैं थ्रू पल्मोनरी वेंस। आई थिंक अब सबको शायद क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा रिकैप करता हूँ समझाने के लिए। पल्मोनरी वेंस से हमारे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो आया हमारे लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से आया वो नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जो प्योर ब्लड था वो लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ हमारी बॉडी में चला गया थ्रू एओर्टा। ठीक है, दूसरी तरफ जो हमारा ख़राब खून था, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो थ्रू हमारे टिश्यूज से लेकर वेना कैवा उसे लेकर आई हमारे राइट ऑरिकल में। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑरिकल में, और राइट ऑरिकल से वो आ गया हमारे राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से वो होता हुआ कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरीज की तरफ। पल्मोनरी आर्टरीज में से वो चला गया वापस लंग्स और हमारी किडनी में, जहाँ पर वो दोबारा प्योरीफाई होगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर और उसे दोबारा ऑक्सीजन रिच बना दिया जाएगा। ये तो हो गया हमारा सारा पार्ट्स। अब आप सोच रहे होंगे ये ट्राइकस्पिड वॉल, पल्मोनरी वॉल, और ये मिट्रल वॉल जिसको कि हम एवी वॉल्स भी बोल देते हैं, इनका क्या काम है। तो मैं आपको बताऊं कि जो ये हार्ट है इसको हम वर्किंग है वो थ्री फेजेस में होती है। ठीक है, थ्री फेजेस जो होते हैं वो, उसके बारे में आपको मैं अभी बताता हूँ। तो हम बात करते हैं अब इसकी वर्किंग की, ये वर्क कैसे करता है। अब देखिए इसको हम तीन फेजेस में समझते हैं। पहला फेज जो है वो हमारा है जॉइंट सिस्टोल। जॉइंट सिस्टोल में क्या होता है हमारा, तो जो हमारा, अब वर्किंग के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये तो हो गए हमारे पार्ट्स जो थे।
अब जो हमारा जो हार्ट है इसको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट इज ज्वाइंट डिस्टोल जो कि 0.4 सेकंड्स के लिए हमारे पास रहता है। अब जो ज्वाइंट डिस्टोल है इसके अंदर क्या होता है, जो ही हमारे चारों पार्ट हैं राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सारे रिलैक्स स्टेट्स में होते हैं। रिलैक्स स्टेट्स का मतलब वेना कावा से जो ब्लड आता है वो यहाँ पर हो जाता है राइट वाइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। दूसरी तरफ पल्मोनरी वेन्स से जो ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड वो लेफ्ट आट्रियम में आ जाता है, और लेफ्ट आट्रियम से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज। इसके अंदर अभी तक कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ ब्लड है वो आ रहा है। अब सेकंड स्टेज है वो होता है हमारा एट्रियोल सिस्टोल। एट्रियोल सिस्टोल में क्या होगा, हमारा जो ये ऊपर वाले पार्ट हैं हमारे अपर पार्ट यानी कि राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, ये क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे यानी कि ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जो सारा ब्लड है जो लेफ्ट ऑरिकल में वो चला जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या होगा, जो ये मिट्रल वॉल्व है ये ओपन हो जाएगी, और जो यहाँ पर जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये यहाँ पर ओपन हो जाएगी, यानी कि अब राइट ऑरिकल से सारा ब्लड नीचे चला जाएगा और लेफ्ट ऑरिकल से सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से नीचे चला जाएगा। ये वॉल्व क्या होंगे, इस स्टेज में ओपन रहेंगी। ठीक है, इसके बाद हमारा शुरू होता है थर्ड स्टेज यानी कि वेंट्रिकल सिस्टोल। अब क्या होगा, हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो जो ये ब्लड है, हमें पता है कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल से हमारा एओर्टा की तरफ ब्लड जाता है जो कि हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, और दूसरी तरफ जो हमारा राइट वेंट्रिकल है ये हमारा कैरी करता है पल्मोनरी आर्टरीज जो हमें बाद में इसको ब्लड डीऑक्सीजनेट ब्लड को प्यूरीफाई करता है। इस तरह से जब हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट होगी तो देर इज़ चांस जो यहाँ पर ये मिट्रल वॉल्व है यानी कि एवी वॉल्व है ये बंद हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर चांस होगा कि यहीं बैक फ्लो ना चला जाए, जो ये ब्लड है वो वापस कहीं राइट लेफ्ट ऑरिकल में ना चला जाए। इसकी वजह से जो ये मिट्रल वॉल्व है यानी कि एवी वॉल्व ये क्लोज हो जाएगी, और जो ये वाली एओर्टिक वॉल्व है ये ओपन हो जाएगी। अब क्या होगा, जो ये लेफ़्ट ऑरिकल से जो ब्लड है ये निकल के हमारे एओर्टा के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स में चला गया, ठीक हो गया। और दूसरी तरफ राइट वेंट्रिकल की बात करें तो ये राइट वेंट्रिकल है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो चांस है कि ये वाला जो ब्लड है जो राइट वेंट्रिकल में पड़ा है ये राइट ऑरिकल की तरफ ना चाहिए चला जाए। तो अब जो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये अब क्लोज स्टेट में हो गई है, क्लोज स्टेट में हो गई है। तो अब जो ये सारा ब्लड है जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये सारा ब्लड फ्लो हो गया पल्मोनरी आर्टरीज में चला गया, और जो हमारे किडनी में चला गया जो उसको ब्लड को हमारे प्योरीफाई कर देगी। ठीक हो गया, ये हो गया फर्स्ट फेज यानी कि जो। तो अब दोबारा से क्या होगा, ये वो वाला फेज़ शुरू होगा जो फर्स्ट फेज़ में दोबारा से जब रिलैक्स हो गया तो ब्लड दोबारा नीचे आ गया हमारे पास लेफ्ट ऑरिकल से ओपन, यानी कि चारों ये चैम्बर्स हैं ये रिलैक्स स्टेट में हो गए। अब इस स्टेज में क्या होगा, जो हमारे ये पल्मोनरी वॉल्व्स ये वाली वॉल्व और जो एओर्टिक वॉल्व जहाँ से एओर्टा से ब्लड जा रहा था और जहाँ से पल्मोनरी वॉल्व से जो ब्लड जा रहा था वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि जब ब्लड वेना कैवा से नीचे आ रहा है राइट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ तो चांसेस है कि कहीं इन एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में कहीं दोबारा से ये बैक फ्लो ना चला जाए। तो अब इस स्टेज में हमारा जो ब्लड है ये वॉल्व्स हैं ये क्लोज स्टेट में हो जाएंगे। इस तरह से ये हमारा हार्ट है ये वर्क करता है। अब हम दोबारा पता लग गया, अब इसको मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पल्मोनरी वेंस में हमें हार्ट से जो लंग्स से जो हमें ब्लड मिला ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो आया हमारा लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से हमारा जो मिट्रल वॉल्स जो इस स्टेज में हमारी ओपन है वो आ गया
लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड, ठीक है, राइट साइड की तरफ से वेना कैवा से जो हमारा ब्लड टिश्यू से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कैरी हुआ हमारे वेना कैवा से हमारे राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से आया वो हमारा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से अब क्या होगा हमारा जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुई, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये ब्लड हमारा गया आयोटा में, और राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हुई तो हमारा ये ब्लड चला गया पल्मोनरी आर्टरीज की तरफ, और ये चला गया हमारे दोबारा किडनीज की तरफ से जहाँ से ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा और आयोटा का जो ब्लड है वो हमारा हमारे बॉडी पार्ट्स को मिल जाएगा ताकि हमारा ब्लड जो प्योर ब्लड है वो हमारा चला जाए। इस तरह से हमने देखा हमारे हार्ट किस तरह से वर्क करता है। तो होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अब आपको क्लियर हो गया होगा टोटल हार्ट की जो भी वर्किंग थी। अगर आपको कोई भी प्रकार की कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।